बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं अजमल अब्बास और आप देख रहे हैं जी मेरा यूट्यूब चैनल अजमल अब्बास व्लॉग। जैसे कि आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा है कि मैं फुजैरा में हूँ और फुजैरा में मैं इस टाइम हूँ, शाम को टाइम है और ये देखा सामने लिखा हुआ है अम्ब्रेला बीच। मैं हूँ जी अम्ब्रेला बीच पे और बस अभी पार्किंग लगाते हैं गाड़ी और थोड़ा बस वीडियो बनाने के लिए निकला था। बोर हो रहा था बहुत ज़्यादा, तो मैं बोला चले वीडियो बना लेते हैं और साथ में खाना भी खा के आएंगे। ठीक है, तो पिछली वीडियो थोड़ी लंबी थी, मैं यही बस डर होता है हर बार कि वीडियो लंबी ना हो जाए, लेकिन वीडियोस लंबी हो जाती हैं क्योंकि बस क्या करें। तो ये जी हैं अम्ब्रेला बीच, हम पार्किंग गाड़ी में लगाएंगे, गाड़ी में पार्किंग लगाएंगे और फिर आपको दिखाते हैं जी थोड़ा बहुत। फुजैरा के बारे में अगर आप मुझे बोलेंगे तो फुजैरा बहुत ही अच्छा, नाइस, साफ़ सुथरा सिटी है, इंतहाई सिंपल है। ठीक है जी, और बिल्कुल साफ़ सुथरा है, सराउंडेड बाई माउंटेन्स। ओके, बिल्कुल माउंटेन से घिरा हुआ है, साइड पे पूरा माउंटेन है, आपको कुछ नज़र नहीं आएगा। आपका क्या कहते हैं ना कि आपको कुछ भी नज़र नहीं आएगा, जो रम्मल होती है ना वो आपको कुछ नज़र नहीं आएगी। ठीक है जी, तो सिर्फ सिर्फ माउंटेन्स ही हैं और बहुत साफ़ सुथरा छोटा सा अच्छा सिटी है, क्राउडेड बिल्कुल नहीं है। मैं दिन को सिटी सेंटर भी गया था और बाकी एक दो जगह भी गया हूँ थोड़ा, तो मैंने बिल्कुल क्राउड नहीं देखा जी, बिल्कुल क्राउड नहीं देखा और कोई क्राउड नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है, बिल्कुल लोग पूरी बैठे हुए हैं। बस अगर कोई चीज़ लेने भी जाओ तो बस काउंटर पे जाओ जी, सीधा जाके और जाके बिल पे कर दो। तो जी मैं हूँ जी फुजैरा अम्ब्रेला बीच पे। तो अम्ब्रेला बीच के अभी आपको आगे लेके चलेंगे और दिखाएंगे कि क्या है, क्या चीज़ें हैं। तो अभी चलते हैं जी, गाड़ी हमने वहाँ पे खड़ी करी है। ठीक है जी, पार्किंग एक घंटा फ्री है, एक घंटे के बाद 10 तरफ। ठीक है जी, तो इसलिए मैं जो है ना बस अभी थोड़ा फ्रेश हो जाते हैं। एक्चुअली बीच एक ऐसी जगह है ना जहाँ पे अगर आप आएंगे तो आप फ्रेश हो जाएंगे, थोड़ा अच्छा लगेगा। देखें जी आप उस तरफ बच्चे खेल रहे हैं, ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह बच्चे खेल रहे हैं और ये पूरे बच्चे खेल रहे हैं जी इस तरफ, ये आप देख रहे हैं सामने, ये भी बच्चों के खेलने की जगह है। अभी पता नहीं इसमें क्या खेल रहे हैं लेकिन खेल रहे हैं। नाइट में बहुत ही प्यारा लग रहा है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। दिन के टाइम मैं थोड़ी देर के लिए आया था यहाँ पे और उस टाइम मैं यही सोच रहा था कि यार ये बहुत ही प्यारा लगेगा नाइट में। ये देखें बच्चे यहाँ पे चल रहे हैं इसके ऊपर। ठीक है जी, और यहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं। इस पे जैसे ही पाँव रखोगे लाइट चेंज हो जाएगी, ये देखें जैसे ही पाँव रखोगे लाइट चेंज हो जाएगी। लाइट्स, ब्रांचेस ऑफ लाइट्स। खेल रहे हैं जी यहाँ पे पार्क है बच्चों का। ये जी बीच के ऊपर ये स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स है। ठीक है जी, लोग खेल रहे हैं और बड़े भी खेल रहे हैं और छोटे भी खेल रहे हैं। और उसके साथ में भी हैं बच्चों के लिए
देखें समुंदर, रात में भी समुंदर जो है ना उछल रहा है। मुझे जब ये लहरें हैं ज़्यादा जोर शोर से आती हैं मुझे तब ज़्यादा अच्छा लगता है। और जी बहुत ही प्यारा बीच है जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, मीन के काफ़ी अच्छा बीच है। देखें ना लाइट्स कैसी हैं, पाम ट्रीज, खजूर के दरख्त हैं जी, बहुत प्यारा है। और अभी गर्मी भी नहीं है, पसीना भी नहीं आ रहा, पहले बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा था सुबह तो मैं स्पेशल रात को अभी निकला हूँ, अभी खाना भी नहीं खाया, कि मैंने बोला पहले मैं जाऊँगा वीडियो बनाऊँगा बीच पे और उसके बाद मैं खाना खाने जाऊँगा। तो देखें जी छोटे छोटे रेस्टोरेंट बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पे, ठीक है, छोटे छोटे रेस्टोरेंट हैं बहुत ज़्यादा। और ये देखें मेरे सामने, और ये देखें इतना बड़ा लैम्प, ठीक है जी, ये इतना बड़ा लैम्प बना हुआ है जी और लैम्प के नीचे लाइट्स भी हैं, लाइट्स भी बहुत अच्छी हैं। तो बीच पे घूम लिया जी और बीच आपको दिखा भी दिया, ठीक है। और हम फजेरा को एक्सप्लोर कर रहे हैं जी, और आप सबका बहुत ज़्यादा तावन चाहिए और वीडियो को ज़रूर देखें। और मैं स्पेशल आप लोगों के लिए आया हूँ ये सब कुछ करने के लिए, ठीक है। और अभी हम चलेंगे खाना खाने के लिए, ठीक है, और मैं अभी खाना खाऊंगा क्योंकि खाना बहुत भूख लगी है, अभी सुबह से ज़्यादा कुछ नहीं खाया था मैंने, तो अभी मैं खाना खाने जाऊंगा। और यहाँ पे जो दोस्तों से पूछा है तो वो कहते हैं कि शान पाकिस्तान कोई रेस्टोरेंट है आप उस पे जाएं तो वो अच्छा है, तो अभी मैं शान पाकिस्तान पे जा रहा हूँ जी। तो आपको मिलते हैं जी खाने के साथ, और बस फिर इधर ही हैं, फिर थके हैं और फिर घर जाएंगे और सो जाएंगे, घर जाएंगे मीन के होटल में जाएंगे और जाके सो जाएंगे। ये जी गाड़ी खड़ी है हमारी और बिल्कुल ये है जी शान पाकिस्तान, और ये है, और मैंने ऑर्डर किया है जी, मैंने ऑर्डर किया चारकोल ऑर्डर किया जो मैंने अपने लिए, और उन्होंने बोला है कि 20 मिनट लगेंगे, ठीक है। देखिए रेस्टोरेंट भी वो खाली पड़ा हुआ है, ठीक है जी, और बस मेरे ख्याल में मैं ही था और एक बंदे और खा रहे थे, तो मैंने अपने लिए फिर चारकोल ऑर्डर किया जी। और मेरा तो दिल नहीं था क्योंकि बिल्कुल ही सुकून है, कोई मसला नहीं है, लेकिन रूम में जाके ना थोड़ा खाएँगे, और दूसरा खाना ज़्यादा ऑर्डर किया है मैंने तो वो ख़त्म ही नहीं होगा मुझसे, तो बेटर है कि मैं फिर जो है ना उसको साथ ले जाऊं और रात को जब भूख लगी कि खाता रहूं, ये है ना। तो ये है जी फुजेरा और ये है शाने पाकिस्तान रेस्टोरेंट जी। तो खाना तो ले लिया है, ठीक है जी, शाने पाकिस्तान से, तो बस अभी खाना खाएंगे और फिर रेस्ट करेंगे क्योंकि पूरा दिन को बहुत ज़्यादा थक गया हूं। तो इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और अल्लाह पाक आपको आसानियाँ दें और आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक अता फरमाएं। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और मैं हूँ जी फजेरा में और फजेरा एक्सप्लोर कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। सो कीप वॉचिंग माई ब्लॉग प्लीज़, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।